तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है कैरेक्टर पूरा का पूरा काल्पनिक है, तो कृपया ज्यादा भावुक ना हो जाए एंड वीडियो को जस्ट व्लॉग की तरह एंजॉय करें। तो मामो इंट्रो। हेलो गाइस, तो आगे एक और न्यू व्लॉग के साथ वापस। तो आज लोग इतने भुक्कड़ है, कल रात को भी इन लोगों ने 12 बजे खाना खाया और आज सुबह होते भाई सीधा ही लेकर आ गए हमको होटल में। देखिए अभी इनके लिए खाना मंगवाया। देखिए सुबह में भी खाना खा रहे हैं लोग। मैं आपको दिखा था ये लोग क्या क्या खा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग मंगवाए गए। तो कौन कौन, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कर रहा था, ठीक है, हर किसी से। एक कोने में दुबका हुआ बंदा, इसको तो जानते हो गए आप, ये अपना सिद्धू SRV सिद्धू। ये है अपना अज्जू। अभी आप लोग समझिए कौन अज्जू, ठीक है, ये अज्जू है। ये फेस रिवील नहीं करना। ये अपने क्या नाम है इसका, और गाइस ये मेन बंदा आपने SRV दानव, आप लोग पहचान गए। ये देखिए भुक्कड़ लोग खाना शुरू किया इन लोगों ने, पता। तो गाइस इन लोगों को मैं घुमाने के लिए लेकर जा रहा था अपने गांव की साइड, मतलब अपने खेत है वो सब दिखाने, लेकिन इन लोगों का कहना था कि भाई नहीं, हमको यार आपके वहाँ पे हम लोगों ने वो जंगल वाला लोग देखा ना, तो वही हमको वापस से देखना। लेकिन मैंने बोला यार वो जगह बहुत ही डेंजरस है, तो इसलिए इन लोगों को मैंने वहाँ पर तो नहीं ले गया, लेकिन दूसरी कुछ जगह थी वहाँ की इसी साइड की तो मैंने दिखाई। तो गाइस सबसे मेन चीज़ ये पहले आ रही है जो हमारे सिटी को सबसे ज़्यादा फेमस करती है, वो तो ये चीज़ है दांतीवाड़ा डैम। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग देखिए कि किस तरीके से गाइस ये, एंड ये गाइस ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी हमारे साथ, तो वो तो मैंने वीडियो में डाला नहीं क्योंकि ये वीडियो घर वाले भी देखते हैं, ठीक है। तो गाइस हियर इज़ द अवर सिटी। तो गाइस ये यहाँ पे मेरी शॉप है, तो यहाँ पे सिद्धू और इन सबको मैं पहले तो अपनी शॉप दिखा देता हूँ। इसके आगे ही है वो पूरा का पूरा जंगल वाला जो था ना, जहाँ पे भालू देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे मैं इन सबको ले जाऊँगा। तो गाइस ये रहा वो जंगल, सामने देख रहे हो आप बहुत ही बड़ी पहाड़ी, वहीं पे वो रिंच का पूरा अभ्यारण्य है, तो वहाँ पे मैं इन सभी को ले जाऊँगा एंड घुमाऊँगा। देखेंगे गाइस वहाँ पे क्या कोई भालू देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग उन अपने अहमदाबाद वाले भाइयों को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं फाइनल लोकेशन पे। इन लोगों को घूमना था जंगल में भाई, इन लोगों ने हमारा व्लॉग देखा था ना, तो इनको जंगल में मंगल करना था, तो इनको लेकर आ गया हूँ मैं जंगल में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह आप पहले भी आ चुके हो, लेकिन ये जगह इस बार अलग तरीके से दिखेंगे, ठीक है। उस बार हमने हंटेड टाइप का दिखा था, लेकिन इस बार इसकी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग व्लॉग को एंड तक देखना, मज़ा आएगा। तो चलो गाइस हम धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जबरदस्त है ना पीछे का, जस्ट आप लोग ग्रीनरी देखिए, प्लस लोकेशन तो है ही ओपी, इसकी ग्रीनरी देखिए, ये दानव और सौरभ यहाँ पे बैठे हैं। अरे साइड में हरियाली गाइस। पका ठीक है गाइस, ये अंकल लोग ऊपर से लेकर अभी नीचे जा रहे हैं, हम लोग ऊपर चढ़े भी हमारी तो फट रही है। गाइस अभी आधी भी नहीं चढ़ पाए हम लोग सीढ़ियाँ अभी से हमारी, तो लो देखिए सिद्धू सबसे लास्ट में ये है,
वो सिटी वाले लोग भाई ब्रावो ब्रावो। ये देखिए सीढ़ियां भी टूट गई इसकी, अभी अभी दो दिन पहले एक बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे, मतलब सीढ़ियां भी टूट चुकी। और यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, वो जस्ट आप लोग देखना ठीक है। छोटा सा तालाब है भाई, तालाब छोटा सा लेकिन ये दानव डुबकी मार के मर जा, बड़े डैम की तरह पता है तालाब। देखिए आप जस्ट तो ये पीला, हाँ जी भाई मान लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बात। ये बढ़िया था। अरे अज्जू भाई देखिए आगे जा रहे हैं, अज्जू भाई ने अभी तक फेस रिवील नहीं किया आपने। हेलो सर, बिग फैन। अज्जू भाई, अज्जू भाई आलोक दे दो, आलोक कोरोना तो दे दो कम से कम। अज्जू भाई लेने के लिए तैयार हो गए गिव अवे के बाद। अज्जू भाई पहले में अज्जू भाई गिव अवे करने वाले हैं, वो भी सबके लिए। सौरव एक बंदे की फट चुकी, देखिए वो बैठा आ जा भाई कर जा ऊपर से ले आ। कैसे आधे अबे थे पहुंच गए, पूरे पूरे पहुंच गए यार ऊपर। चलो चलो गाइस, मैं तो पहुंचने वाला हूँ जस्ट, ये लोग अभी भी नहीं आए पीछे, अभी भी बहुत, एक बजे तो पूरा पीछे बैठ गया भाई, बहुत धूप में घूम गए। अरे दानव आ गया, सुपरमैन सुपरमैन। लेकिन पहुंच गया यार, पहुंच गया बस 12-25-30 सीढ़ियां बस। हाँ आप पहुंच गए फाइनली, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। देखिए भाई मैं तो यहाँ के, हमको क्या देखो भाई, व्यू जो देखोगे ना आप लोग वो सबसे बेस्ट यार। मैं थोड़ा सा जूम करो आप लोग देखिए, सामने बादल है पूरे वाइट वाइट और उल्टा नीचे ग्रीनरी ग्रीनरी। कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा क्योंकि DSLR हो ना सबसे बेस्ट कैप्चर, लेकिन फिर भी मैं देखिए जितना ज़्यादा हो सकता उतना जूम कर रहा हूँ पूरा। देखिए सामने भी बहुत ज़्यादा ही पहाड़ियाँ हैं और ग्रीनरी, और ये फाइनल देखिए ये वो मंदिर है फाइनल लोकेशन। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, उसके बाद 300 सीढ़ियों चढ़ने के बाद इनकी हालत देखिए। सिद्धू देखिए, सिद्धू के तो पूरा पानी निकल गया। दानव अभी भी हीरो की तरह ही बैठा हुआ है, अपना जॉनी भैया हीरो की तरह ही है। एंड देखिए अज्जू भाई को दिखा रहा, अज्जू भाई फेस रिवील करोगे? अज्जू भाई नहीं करेगा, अज्जू भाई के भी पसीने छूट गए भाई, इतना मोटा शरीर लेकर कैसे आए ऊपर। और ये देखिए ओए बंटी, इसके तो पानी हवा निकल गई है पूरी, लाइक वो टायर फट जाता ना वो एक मीम है ना। अरे तो गाइस फाइनली हम लोग उस मेन जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मतलब महादेव जी का और बहुत सारे देवी देवताओं का बहुत ही ज़्यादा मंदिर है। यहाँ पे छोटे मोटे गिने तो भी गाइस करीब करीब 15-20 मंदिर है यहाँ पे, छोटे छोटे गिने ना छोटे और सारे के सारे, तो वो 15-20 मंदिर है। और सामने देख रहे हो मंदिर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे नीचे की साइड ही बहुत सारे मंदिर। गाइस नीचे की साइड थोड़े से और जाएंगे, वहाँ पे फिलहाल तो अभी उन लोगों ने फाटक बंद रखे क्योंकि वहाँ पे भाई रिंच ऊपर आ जाते हैं, रिंच या फिर कुछ भी मतलब बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि पानी के चक्कर में और खाने पीने के ढूंढते हुए वो आप ऊपर आ जाते तो फिर इंसानों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे आने के बाद एक मेन चीज़ बोलूँ, यहाँ पे आने के बाद वाइब्स है ना कुछ मतलब अलग ही आती है, और मैं जब भी यहाँ पे आया ना तभी मुझको अलग ही वाइब्स चाहिए क्योंकि ये जगह पता नहीं है ही ऐसी यार। एक तो नेचर की गोद में है, पूरा जंगल के बीचों बीच है, नेचर की गोद में गाइस चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ भी उगी हुई है, उनको तो पता भी नहीं, हम लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा ऐसा। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सामने का व्यू, तो सामने की साइड भी देखिए वाइट बादल के बीच में जो गाइस ग्रीनरी दिख रही है, देख रहे जैसे मतलब पूरी धुंध सी दिख रही हो ना, लाइक उत्तराखंड में पहुंच गए ना उस टाइप की पूरी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। देखिए पूरी की पूरी ग्रीनरी है, नीचे बहुत ही बड़ा तालाब है। एंड गाइस यहाँ पे जब बारिश होती है ना उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ओपी दिखता है, क्यों पता है? क्योंकि नीचे एक झरना बहता है, वाटरफॉल बोलते हैं ना, बहुत ही मस्त दिखता है यहाँ पे। मतलब गाइस बहुत दूर दूर से भी पब्लिक स्पेशल दर्शन करने के लिए आती है महादेव जी के। एंड यहाँ के महादेव जी की कुछ बात भी अलग है, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग मन्नत भी मानते हैं तो वो भी पूरी हो जाती है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ, यहाँ पे हनुमान जी महादेव जी गणेश जी बहुत सारे भगवानों की मतलब यहाँ पे मंदिर है।
तो गाइस आई होप आप सभी लोग का वीडियो अच्छा लगा है ना। अच्छा लगा तो आप सभी लोगों को क्या करना बताए ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चले गाइस मिलते हैं किसी और बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे और मतलब इतनी खतरनाक बारिश आ गई थी, पूरा भीग गए हम लोग, चार पाँचों का पाँचों। मतलब ये देखिए इनका थोबड़ा, देखिए सिर्फ इनके मुंह देखिए यार, ये देखिए दानव, ये तो पूरा भीग चुका है, ठंडा हो चुका है। कोई गर्म करो यार।